राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे चंदौली। चौबे ने मोदी सरकार की आयुष्मान योजना की दी जानकारी। कहा 15 अगस्त को पीएम बड़े पैमाने पर करेंगे योजना का लोकार्पण। असम के लखीमपुर में बाढ़ का कहर, बाढ़ पीड़ितों ने ली स्कूल में शरण। सरकार से मदद के इंतजार में बाढ़ पीड़ित। यूपी के देवरिया में शहीद की पत्नी से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। इलाज के दौरान डॉक्टर ने की छेड़छाड़। आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के झुंझुनू में जमीनी विवाद को लेकर दो सगी बहनें आपस में भिड़ी, मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो वायरल करने वाले पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में। और फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में आज फ्रांस और बेल्जियम की होगी भिड़ंत। दोनों टीमें बिना मैच गवाए पहुंची सेमीफाइनल में। जीतने वाली टीम खेलेगी फाइनल मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर चंदौली से है, जहां मोदी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी सर्जिकल नर्सिंग होम में संपर्क फॉर समर्थन के तहत बुद्धिजीवी, किसान, डॉक्टर और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान अश्विनी चौबे ने आयुष्मान योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि 15 अगस्त को पीएम बड़े पैमाने पर योजना का लोकार्पण करेंगे। ये लॉन्च प्रधानमंत्री जी के द्वारा और 2018 के 15 अगस्त को प्राचीन लाल किला से इसकी घोषणा होने वाली है और निश्चित रूप से ये लोकार्पण होकर के करोड़ों जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 2019 के मद्देनजर देखा जाए इसको, 2019 में भारत की गरीब जनता के मद्देनजर रखा जाए। अब किसी को भी जेवर, जायदाद, जानवर और जोरू को गुलाम नहीं रखना पड़ेगा। ये ऐसा स्कीम है भारत में, पहली बार हिंदुस्तान में और विश्व में शायद ये पहला उदाहरण है। पहला इतनी बड़ी योजना है और इसको आज पूरी दुनिया। प्रदेश सरकार ने लेखपालों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके उन्नाव में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। लेखपालों ने यहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चौपाई के जरिए सरकार को जगाने का भी प्रयास किया। ये जितनी भी लड़ाई है दो बिंदुओं पर, एक तो ये सामंतवादी विचारधारा के लोग और एक वे लोग जो न्यायप्रिय लोग हैं। आज सालों से लेखपाल जिन मांगों को मांग रहा है उनमें कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन का जैसा मुद्दा आज पेंशन विहीन कर करके भ्रष्टाचार के रास्ते पे तुमने डाल दिया। पेंशन के भय से भ्रष्टाचार से इंसान दबता था, आज उसको सब कुछ करने के लिए आजाद कर दिया। पेंशन जैसे मुद्दे को सदैव के लिए समाप्त किया जाए और पेंशन व्यवस्था पूर्व की भांति लागू की जाए। नंबर एक बात, मैं कृष्णचंद जिला मंत्री जनपद उन्नाव। आज की तारीख में हमारे प्रदेश में 32,000 लेखपाल के मुखिया, सूबेदार जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पिछले 2016 में अपनी जायज मांगों को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था और इसी स्थान पे एक माह जनपद उन्नाव का भी चला था और पूरे प्रदेश में एक माह आंदोलन चला था। लेखपालों की प्रमुख मांगे, जो लेखपालों को शासन ने आज तक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, बिना शासन, बिना साधन संसाधन के, बिना किसी भत्ता के जिस तरह का काम हमसे लिया जाता है, और उस मांग को, उस बात को जो हम शासन के समक्ष रखते हैं तो उनके द्वारा हम लोगों पर धमकी दी जाती है कि आपको हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाएगी। हमारी प्रमुख रूप से 8 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी जो हमारा वेतन मान हमको 2000 का ग्रेड पे मिला उसको 2500 किया है। उसके बाद हमारी ACP विसंगत जो 10 साल के बाद मिलती है, 10 साल के बाद एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी 2400 का लाभ दिया जाता है और हम लोगों को भी 2400 का ही लाभ जाए। इससे ये होता है कि हम एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो हमारे बराबर 10 साल के बाद पहुंच जाता है। तीसरी मांग हमारी पुरानी पेंशन को लेकर के है, उसमें हमारे 2005 में कुछ साथी नियुक्त हुए थे, चयन तो उनको उनका 2001 में हुआ परंतु उनको नौकरी जो है 2005 में मिली, नियमानुसार उनको ही पेंशन का लाभ देता बनती है, उनको मिलना भी चाहिए।
इसके अलावा हमारे प्रोन्नत के अवसर हमको दिए जाएं, लैपटॉप की मांग हमारी है और हमारे जो भत्ते हैं मोटरसाइकिल भत्ते की मांग चल रही है, स्टेशनरी भत्ता हमारा बढ़ाया जाए, अन्य नियत भत्ता है उसको बढ़ाया जाए, यही मांगे हमारी। और अब खबर देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड स्थित एक क्लिनिक की है, जहां इलाज कराने आई शहीद की पत्नी के साथ डॉक्टर चंद्रभान मिश्रा ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद शहीद की पत्नी ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं आरोपी डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। साथ हुआ आज के बाद मान लीजिए उनके यहाँ बहुत सारे लोग जाते होंगे, बेटी बहने माताएं। क्या हुआ आपको बताइए। वो उल्टा सीधा हरकत करना चाहते थे, फिर भी मैंने उनको बहुत कुछ कहा और बोल के चले आए, फिर अपने भाई को आके बताए। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर चंद्रभान मिश्रा, सीसी रोड में आरबीटी विद्यालय के पास। क्या करने गए थे आप वहाँ पे? दिखाने के लिए गए थे। अच्छा, जाँच कराने। ठीक, आप कौन है? हम शहीद देवेंद्र चौरसिया की पत्नी है। क्या चाह रही हैं आप? हम चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो हुआ आज के बाद ऐसा किसी की बेटी बहन के साथ ना हो। ठीक, आरोप है। मैं अपने चेंबर में इस महिला को 3 बार देख चुकी हूँ। आज के समय जब मेरी यहाँ आई, अपनी परेशानी बताई, उस समय मेरी वहाँ दाई उपस्थित थी। मैंने उसको बड़े प्रेम से अच्छी तरह एक अपनी बेटी समझ के समझाया, लेकिन मुझे लगता है विगत में कुछ लोगों के द्वारा ये बहकाई गई है, जिसके ऊपर मुझ पर ये निराधार आरोप लांछन लगाया जा रहा है। मेरा विगत में श्री राधे श्याम शुक्ल से विवाद था, उनके ऊपर केस दर्ज है। उन लोगों ने इनको बहका करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में भी काफी विवादित रहे हैं मेरे, मैं देखिए मेरे चरित्र पे कभी इस तरह कोई लांछन नहीं लगा है आज तक। देखिए इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, सीसी रोड डॉक्टर साहब चंद्रभान मिश्रा जी, उनके खिलाफ मिली है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीबद्ध किया जा रहा है। तहरीर जो क्या मिला है सर? जो भी साक्ष्य होगा उसमें कर दिया। कौशाम्बी में नबार्ड से अनुदान लेकर लगाए गए 1,002 लाख रूपए सिंचाई विभाग के अफसरों उपेक्षा के चलते बर्बाद हो रहे हैं। नवादा ब्लॉक के 9 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 45 से अधिक गांवों में आज भी किसान बदहाली गरीबी का ही दंश झेल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने साल 2010 में 1,002 लाख की लागत से जोगापुर पंप नगर योजना की आधारशिला रखी थी और किसानों के खेतों का भरपूर पानी पहुंचाकर उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को सुधारना था, लेकिन पूर्व की सरकारों की अपेक्षा में आज भी किसान के खेत पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का मसौदा तैयार किया है, जिससे किसानों में एक उम्मीद जगी है। वहीं डीएम मनीष वर्मा ने खुद इस योजना में लगे सामानों का निरीक्षण कर चालू करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद लगाई थी हम लोगों ने कि जब नहर चलेगी तो खेती अच्छी होगी, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, खेती किसान है किसानी करेंगे। उसके आगे जब कम से कम 8 साल हो गए नहर आई नहीं, उसके लिए जब पानी है नहीं है तो उसी तरह अस्त व्यस्त व्यवस्था उसी तरह पड़ी है। मैं अगर जोगापुर पंप कनाल अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी सिविल का कार्य तो उसमें बहुत पहले ही पूरा हो गया था। इलेक्ट्रिक वाला जो कार्य है, विद्युत का काम, वो चल रहा है और आज उम्मीद है कि वहाँ पे लाइन आ जाएगी और मोटर अगर सही रहा तो हम 15 जुलाई तक उसको चला देंगे। जोगापुर पंप कनाल अगर एक्टिवेट हो जाता है तो इससे हमारे लगभग 40 से 45 गांव लाभान्वित होंगे, जो हमारा ऑलरेडी माइनर वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें किशनपुर पंप कनाल से पानी हम देते हैं। तो ये जोगापुर पंप कनाल से और एक्स्ट्रा पानी हमें मिलेगा और जो टेल कुछ हद तक फीड नहीं हो पाते थे, खासकर रबी के उसमें, रबी में तो हो जाता था, खरीफ में दिक्कत आती थी, तो वो हमारी समस्या दूर हो जाएगी और एक्स्ट्रा पानी जो हमें मिलेगा उससे वो हमारा जो माइनर है वो सैचुरेट हो जाएगा। कौशाम्बी में एक नाबालिग की जमीन को कब्जा कर उसकी रजिस्ट्री कराने में भूमाफियों की करतूत के साथ प्रशासनिक मिली भगत का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला मंजनपुर तहसील के परगना करारी का है, जहां गौरा गांव के शिकायतकर्ता राजा राम ने पुलिस को पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके 13 साल के बेटे छितानी को भूमाफिया नागेश्वर प्रसाद ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ अगवा कर बंधक बनाया बल्कि उसकी लाखों की बेशकीमती जमीन अपने
नाम रजिस्ट्री करवा ली। पीड़ित राजा राम ने एसडीएम मंजनपुर समेत एसपी प्रदीप गुप्ता से इस पूरे मामले की शिकायत की, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एसपी प्रदीप गुप्ता के निर्देश पर मंजनपुर पुलिस ने नायब तहसीलदार परगना करारी, लेखपाल लालू प्रसाद, भूमाफिया नागेश्वर समेत मामले से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारण पकड़ लिए हैं, पकड़े हैं, बंधक मंडाए हैं, आज तक हमारा लड़का मिला नहीं ना है। ये तो राजकारण भारत पकड़े हैं, जमीन भी लिखवा लिए हैं। हाँ, जमीन लिखवा लिए हैं। लड़का बालिक है, नाबालिक है। कहीं कोई शिकायत की आपने? शिकायत नहीं सुनाई होती है, कोई सुन रहा है। नाबालिग लड़के से बैनामा कराने का मामला थाना मंजनपुर में प्रकाश में आया है। इसमें अभी पंजीकृत किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और जैसे भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उस हिसाब से विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। नवलगढ़ थाना क्षेत्र के बिलवा गांव में महिला को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल इस वीडियो में एक महिला सहित दो लड़कियां और एक युवक महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां घटना के दौरान एक छोटा बच्चा अपनी मां को छोड़ देने की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना पर सीआई सुरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि दो भाइयों के बीच जमीनी और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें मारपीट करने वाली महिला और पीड़ित महिला दोनों सगी बहनें हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस वीडियो वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ भी कार्यवाही की बात कह रही है। छह सात 2018 को प्रातः 8:30 बजे पीड़िता सुमन वाइब दयाराम के साथ उसके जेठ मनीराम, जेठानी मनीष, उसके बच्चों और सास ने जमीन में रास्ते के विवाद को लेकर इसके साथ मारपीट की थी। मारपीट कर इसको बांध दिया था। आज उस मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पता चला कि उसके साथ उसके बच्चों ने और आरोपियों ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनीराम, उसकी पत्नी और उसकी जो बड़ी लड़की संजू कुमारी, उसको गिरफ्तार। असम के नलबाड़ी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का सुस्त रवैया देखने को मिला, जहां 12 बजे तक ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता बर्मनजीत पाठक ने विभाग के कर्मचारी से बातचीत की। आईबी ये जो घर टूट फूट गया, कोई ऑफिस से ठीक नहीं किया? अभी तक तो किया नहीं है, टूटा हुआ है। कैसे चल रहा है आप लोग? ऐसे चल रहा है। स्टाफ कितना है? स्टाफ अभी ऑफिस का करना है, अपने नौ है। तो साइट क्या है? बोरोवो का नाम क्या है? दराजुद्दीन नाम है। अभी तक आया नहीं, किस लिए? अभी तक पता नहीं, पता नहीं। ऑफिस कितने बजे शुरू होता है? 9:30 अभी कितना बजा? 12 देखिए तो कितना बजा अभी? 12 बजे 12 बजे तक नहीं आए अभी तक तो आया। क्यों नहीं आया मालूम नहीं, ये हमको पता नहीं। मैं अभी उपस्थित हूँ असम नलबाड़ी के धमधमा ग्रामीण के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में। अभी 12 बज गए लेकिन एसडीओ या बोरोबाबू अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचा, इसलिए नहीं पहुँचा ऑफिस स्टाफ को भी मालूम नहीं। कैमरा पर्सन दीपू के साथ पाठीजीत बर्मन का। और खबर अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के माहेश्वरी इंटर कॉलेज की है, जहां टीचर की दबंगई का मामला सामने आया है। टीचर ने सातवीं कक्षा के छात्र को सिर्फ इस वजह से बेरहमी से पीटा क्योंकि वो स्कूल में जूते पहन के नहीं आया था। इतना ही नहीं, टीचर ने छात्र के परिजनों के साथ भी अभद्रता की, जिसके बाद छात्र के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तुम्हारे बेटा के साथ बताओ। मेरे बेटा को मारा, चलो कोई बात नहीं है, मार लिया। मारने के बाद में फिर मारपीट के बच्चा घर पर भगा दिया जूतों के कारण। जूते मुझ पर है नहीं पाए साहब, मजदूर आदमी हूँ, कमा के लाऊंगा, जल्दी जूते पहरा दूंगा। मैंने कहा माँ साहब 2 दिन के लिए रख लो बच्चे के लिए, 2 दिन बाद में खाना में पहरा दूंगा, जूते भी रख लिया। कौन से स्कूल में पढ़ता है? महेश्वर इंटर कॉलेज में। किससे मारा है बेटे को, कहीं चोट आई है क्या? हाँ, नाखून लग रहा था। आज कहाँ शिकायत लेके पहुँचे हो? मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ आज। कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूल है क्या? सरकारी स्कूल है साहब। कौन सा? महेश्वरी इंटर कॉलेज।
क्यों मार रहे हैं वो बच्चे को और आपको? स्कूल के जूतों के खातिर। हाँ, अभी एक व्यक्ति आया था, उसका ये कहना था कि उसके बेटे को स्कूल से इस बात पे निकाल दिया गया कि वो जूते नहीं पहना हुआ था और उसे प्रताड़ित नहीं किया गया। इस संबंध में शासन के निर्देश दे दिया गया है, जाँच करके आवश्यकता है। अहरौरा थाना क्षेत्र के लिखन्यांद्री मोड़ के पहले ही वाराणसी शक्ति मनगर मार्ग पर तेज रफ्तार बस खड़ी ट्रक में जा घुसी, जिससे बस के पचखच्चे उड़ गए। घटना स्थल पर ही दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि तीन लोगों ने हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ दिया, तो वहीं दो अन्य लोगों की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बस में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अहरौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाने लगी। साथ ही घायलों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए एम्बुलेंस द्वारा भेजा जाने लगा, तो वहीं मरीजों को आज एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना देते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस संख्या UP-65CT-6173 वाराणसी से उमरा जा रही थी। लखनिया दरी पुल के पास एक ट्रक UP-64AT-2261 गलत साइड में खड़ी थी। बस का चालक ट्रक में पीछे से धक्का मार दिया। बस में करीब 40 सीटर बस थी, 40 लोग सवार थे। मौके पर दो लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी लोग गंभीर घायल थे। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मृतकों को बस से निकाली। घायलों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा लाया गया। यहाँ से 10 लोग रेफर हुए, 3 लोग अहरौरा स्वास्थ्य केंद्र में घोषित किए गए और 10 लोग रेफर हुए BHU ट्रामा सेंटर के लिए, जहाँ 2 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। वो मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था, इसी समय करीब 15-20 लोग अस्पताल में घायल होकर आए यहाँ पे। उसमें से 20 लोगों में से करीब 3 ब्लड डेथ थे, जिसका हमने एग्जामिन किया। उसमें से 16-17 लोग जो है पूरे टोटल मरीज इंजर्ड थे, उसमें से 8 क्रिटिकली इंजर्ड थे, सीरियस थे, जिसको हमने रिफर BHU ट्रामा सेंटर कर दिया। और लोगों का उपचार यहाँ CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा पे किया जा रहा है। उनकी स्थिति ठीक है, उनका ठीक से इलाज हो रहा है, सब सुविधाएं। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।